क्या आप मानोगे 200 में आपको 10 मेकअप किट्स का कॉम्बो मिल रहा है और ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। यस गाइस, ये पॉसिबल है बिकॉज मीशो है तो पॉसिबल है। तो चलिए इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम ट्राई करते हैं और देखते हैं इनका रिव्यू। तो गाइस, जब ये प्रोडक्ट आए थे तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे से डब्बे में ये 10 प्रोडक्ट्स कैसे आए। मतलब जो भी मैं दिखा रही हूँ सभी छोटे बॉक्स में आए थे और ये दिखने में भी अच्छे दिख रहे थे और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी थी, मतलब सही थी एक तरह से। मैं मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ और मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन कर लेते हैं ताकि इससे ही हमको ब्लेंड करना है। तो जितना भी गंदगी है इसका सब मैं क्लीन कर रही हूँ अभी, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा था तो मैंने इसको 15 मिनट पानी में भिगो कर रखा था तब जाकर ये क्लीन हुआ। तो सबसे पहले सीरम से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैक कॉस्मेटिक का सीरम और ये फेक ब्रांड है बिकॉज मैक का जो प्रोडक्ट्स रहता है वो बहुत ही महंगा रहता है और ये इतने सस्ते में मिल जा रहा है मुझे, मतलब तो ये फेक ही है। वैसे तो मुझे एग्जैक्टली पता ही ये लोकल सब है बट फिर भी डुप्लीकेट दिया है मीशो वालों ने। और इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो इसमें 14 ml है और इसके बैक साइड भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है कौन सा नहीं। और इसे लगाने के बाद मुझे हैवी फील हो रहा था, जैसा ऑयल रहता है फेस पर वैसा लग रहा था। सच बताऊँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ऑयल से फेस वॉश कर लिया है और ये जल्दी से एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है स्किन में। इसको कितना भी मैंने सुखाया फिर लास्ट में मैंने इसको टॉवल से हटा दिया एक्स्ट्रा जितना भी था। और इसकी स्मेल की बात करूँ तो OMG, जैसे हॉस्पिटल में नहीं आता इस ये स्मेल वैसा आ रहा था। करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है प्राइमर और ये सेल पैक था, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए थे लेकिन जो भी इंग्रेडिएंट्स थे यार वो सभी डेंजरस थे। क्या कर सकते हैं, डेंजरस मतलब कभी कभी लगा सकते हैं, डेली मेकअप इससे नहीं कर सकते हो आप। और ये एलोवेरा जेल की तरह था प्राइमर गाइस, ओके था, ना ही ख़राब था ना ही अच्छा था, सो इसको फुल आउट ऑफ देंगे। और ये है कंसीलर जो डार्क स्पॉट्स को कंसील करता है, वैसे ये ड्राई दिया था, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सस्ते प्रोडक्ट से। और इसे मैं लगा रही हूँ और इसे लगाने के बाद पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कंसीलर भी लगाया है और इसकी कवरेज भी कुछ खास नहीं थी। सो देख सकते हो कितना ड्राई है ये और बहुत ही बेकार था ये। जब मैंने इसको ब्लेंड किया था यार पता नहीं ये गायब कहाँ हो जा रहा था, मतलब कोई असर ही नहीं था इसका, बहुत ही बेकार था ये। और इसको 0 दूंगी मैं बिकॉज कंसीलर से आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ये मेकअप किट में। और ये देख सकते हो मेरा फेस वैसा का वैसा ही है जैसे पहले था। अब बारी आती है फाउंडेशन की, जो कि बहुत ही लोगों को एक्सपेक्ट होता है कि चलो फाउंडेशन तो अच्छा देगा, वैसे सबको रहता है फाउंडेशन तो हमको अच्छा देना चाहिए, चुल्लू सा भी तो अच्छा देना चाहिए था, बट ना ही ये क्रीम था ना ही फाउंडेशन था, पता नहीं क्या दे दिया। वो मॉइस्चराइज़र नहीं रहता है बच्चों का पॉन्ड्स का वैसा था। बट गाइस, जब मैंने इसको लगाया और ब्लेंड किया आई कांट बिलीव कि ये इतना अच्छा निकलेगा। मतलब इसकी कंसिस्टेंटिंग जो रहता है वो मॉइस्चराइज़र के जैसा था, बट जब मैं इसको लगाई और ब्लेंड की तो ये रियल फाउंडेशन की तरह निकला और जादू के जैसे एकदम फेस को ग्लो कर दिया था, परफेक्ट दिख रहा था। मेरी तरफ से एकदम सुपर प्रोडक्ट था, इसको 10 में से हम 9 देंगे और ये काफ़ी अच्छा। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइट कवरेज चाहिए फाउंडेशन से तो ये फाउंडेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ये फाउंडेशन की तरह ही था। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे NC25 का मैक लूज पाउडर, वैसे ये ब्रांड नहीं है, इसका डुप्लीकेट ब्रांड है। इसका जो स्पॉन्ज था वो बहुत ही हार्ड था सो मैंने ब्रश का यूज़ किया और ये ओपन भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत कोशिश करने के बाद ये ओपन हुआ है। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये सबसे बढ़िया था, जितना भी मेकअप किट मैंने यूज़ किया जितने भी स्टेप्स किए ये बहुत ही अच्छा था। इसकी कवरेज भी अच्छी थी सभी प्रोडक्ट से। और इसे लगाने के बाद हाँ ऐसा लग रहा था कि मैंने मेकअप करा है और
ठीक ठाक था ये। तो अब सवाल आता है कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम फिर से यूज़ करूँगी, तो जी बिल्कुल नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ इसको ऑर्डर करा था ट्राइंग के लिए कि देखते हैं कैसा आता है ये। और नेक्स्ट मेरे पास आता है ये दो लिपस्टिक जो कि एक पिंक है और एक रेड है। फिर मेकअप फिक्सर आता है और ये बहुत अच्छा था, नहीं ख़राब था, नहीं अच्छा था। सो ओवरऑल लुक ये आता है। और